हाँ, स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा सा पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर दो वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपये का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहाँ पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबोहवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले
उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर ही उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक ओर परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक ओर डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए, शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। अंत में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज यहां पधारकर हमारा इस मार्ग का और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोत्साहन किया, मैं उनका आप सब की तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो आपकी सोच, मंशा, नीतियाँ और जो संकल्प है वो हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और दिव्य सज्जनों, उत्तराखंड एक अद्वितीय राज्य है जो अपने कल, आज और कल का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण और एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अब नवाचार और प्रौद्योगिकी के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो चाहे इसकी ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर, योगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसी से भी आप आकर्षित हों, उत्तराखंड के पास आप सभी को देने के लिए कुछ असाधारण ही है। तो इस असाधारण राज्य की असीमित संभावनाओं की रोमांचक यात्रा पर आपको ले चलते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। Billion devotees and the enduring power of faith. The land of generosity, spirituality and prosperity. And in that India is a place called
द लैंड ऑफ गॉड्स उत्तराखंड। इन उत्तराखंड गॉड स्पीक थ्रू द पीपल। Hear God speak through their rivers that flow to give life to all that they touch. Hear the God speak through the warmth of harmonious hospitality. Here music revives and art unites. It is home to a 5,000-year-old practice, yoga, that is now a global phenomenon. It teaches and inspires the world from oceans afar. And in the pursuit of a developed India, the transformative leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been pivotal over the past decade. Recognizing the significance of the 21st century, he rightly said, 21st शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है।